हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम
प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है
जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदु देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा,
क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई,
कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा,
जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने
ही डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा,
क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदु देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई,
कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो स्टोरी लाइन
कहानी को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे। एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे। एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें
कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी। ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा
देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा।
ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों
में जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत
से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु जुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर IMDb रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें IMDb रेटिंग की, तो 5.7/10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 को हिंदी लैंग्वेज में
एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है
वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने,
जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदु देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु जुबान में ही रिलीज भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है,
रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई,
कहाँ पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदु देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7/10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी
जोशी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे। एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे। एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर
टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु जुबान में ही रिलीज भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर IMDb रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें IMDb रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा
देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदु देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7/10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा।
ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर IMDb रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें IMDb रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वह
वहां पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7 out of 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है
जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षात्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर IMDb रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें IMDb रेटिंग की तो 5.7 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2014 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादो 2 को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 2014 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी जवादू 2 के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है, मीन्स इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है,
रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो कास्टिंग में आप लोगों को बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक रामचरण देखने को मिलेंगे, काजल अग्रवाल देखने को मिल जाएंगे, प्रकाश, मेका श्रीकांत देखने को मिलेंगे, रहमान देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल किया है कृष्ण वामसी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़, जस्ट लाइक यहाँ पर गोविंदुदू देखने को मिलेगी, नक्षत्रम देखने को मिल जाएगी, खदगम देखने को मिलेगी, मुरारी, गुलाबी और चक्रम, शक्ति द पावर, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं, एंड इन्हें मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर तेलुगु ज़ुबान में ही रिलीज़ भी किया गया। जी हाँ, इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी, ईजीली अवेलेबल है, आप लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अवेलेबल की गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर एंड नेटफ्लिक्स पर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल की गई है। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो 5.7/10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि काफ़ी एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो स्टोरी लाइन को कृष्ण वामसी और परचुरी ब्रदर्स ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें प्रोड्यूसर्स की, तो बंदला गणेश आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे, सिनेमाटोग्राफी में समीर रेड्डी देखने को मिलेंगे, एंड एडिटिंग की बात करें तो नवीन नूली इस मूवी के एडिटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को युवान शंकर राजा देखने को मिलेंगे, एंड प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को परमेश्वर आर्ट प्रोडक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे एक मरतबा आप लोगों को डेफिनेटली इंजॉय करना